हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज है संडे और मैं आपके साथ अपने गार्डन की अपडेट देने वाली हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पर देखिए, एक प्यारा सा कलर ब्लूम हुआ है। ये बिल्कुल न्यू कलर है अभी, मतलब न्यू कलर हो या ना हो मार्केट में, लेकिन मेरे घर में ये न्यू कलर है, मतलब नया प्लांट जो मैंने मंगाया था उसमें फर्स्ट फ्लावरिंग है ये। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, क्योंकि आजकल तो प्लांट भी मतलब इनका क्रेज हो गया है ऐसा, मतलब जैसे कपड़ों का फैशन चलता बदलता रहता है वैसे प्लांट का भी हो गया है, तो चेंज होते रहते हैं। एडेनिया में भी इतने सारे कलर अब अवेलेबल हो गए हैं कि लोग न्यू कलर को ऐड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, रेयर कलर को ज़्यादा पसंद करते हैं। पर मुझे तो कलरफुल जो डार्क कलर होते हैं वही अच्छे लगते हैं, और अच्छे सारे लगते हैं लेकिन फिर भी ज़्यादातर मुझे डार्क कलर पसंद है। लाइट कलर उतना मतलब जैसे ये देखिए, जैसे इसको अगर इससे और इसकी तुलना करूँ तो मुझे इसके बजाय ना ये ज़्यादा सुंदर लगता है। आज बंदरों ने इतना आतंक मचाया, यहाँ से मेरे तीन दो गमले नीचे गिरा दिए। यहाँ पे रखे थे मतलब पांच गमले, तो तीन तो मैंने इधर उठा के रख लिए, दो गमले पीछे गिरा दिए। उनको अभी तक देखा भी नहीं है प्लांट की क्या कंडीशन हो रखी है। एडेनियम तो बच जाएगा खैर, लेकिन मेरा मैंडविला का प्लांट भी पीछे पलट गया और उसको उठा के लाना पड़ेगा। गमले भी शायद टूट गए होंगे तो दिख भी नहीं रहा, अभी समझ नहीं आ रहा टूटा है कि बच गया। यहाँ से देखिए, इतने प्लांट की मैंने ब्रांच ले लेकर कुछ नए प्लांट और ग्राफ्ट किए हैं, तो इनको मैंने सबको थोड़ा, जो टीन का शेड है ना ये आप देख रहे हैं, इसके नीचे शिफ्ट किया हुआ है। अगर बारिश पड़ती भी है तो थोड़ा सा ये बचाव रखेगा, फिर भी अगर ज़्यादा होगा तो। बारिश वैसे इस समय बंद हो चुकी है, परसों नरसों बारिश एक बार हुई थी मतलब तीज के एक दिन पहले, और उसके बाद अभी बारिश नहीं हुई है। उससे पहले भी हफ्तों बारिश नहीं हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा प्लांट येलो हो चुके थे उस समय काफ़ी तेज धूप से। यहाँ पे दिखा दूँ तो मेरे देखिए सारे न्यू ग्राफ्टेड प्लांट हैं जो मैंने जुलाई अगस्त में तो कुछ ही किए थे, जुलाई में किए थे, जून जुलाई में जो किए थे वो प्लांट हैं ये। और कुछ मैंने पीछे कटिंग भी लगा दी है, इसकी पत्तियाँ देखिए पीली हो गई हैं जो मैंने कटिंग लगाई थी। अभी मैंने बस दो दिन पहले ही लगाई है कटिंग। और इधर मेरे दो हैंगिंग बास्केट है सकुलेंट की, जो बहुत अच्छी ग्रो हो रही है। बाकी सकुलेंट तो मेरे सारे इस बार बिल्लियों ने डिस्टर्ब कर दिए थे, और वो बिल्लियाँ इतनी प्यारी हैं कि हम उनको हटा नहीं सकते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा उनसे लगाव है। और ये देखिए, मेरे पास वैंडरिंग जो ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, ये एक ही कटिंग बची थी तो कल मैंने इसको सेव करने के लिए यहाँ पर लगा दिया है। अब ये दो कटिंग से मैं इसको फिर से प्लांट तैयार कर लूँगी। ये कुछ एडेनियम की सीडलिंग थी जो डिस्टर्ब हो गई उस दिन की बारिश में। जो चाइनीज ये पेनीवर्ट का प्लांट था ना, इसको मैंने पूरा कट कर दिया, बहुत ज़्यादा फैल गया था और पूरा मतलब बहुत लंबे लंबे ब्रांचेस हो गए थे। अब ये छोटा छोटा फिर से घना घना निकलेगा तो सुंदर दिखेगा। इधर कुछ बिगोनिया की कटिंग रिपोर्ट की थी तो देखिए अभी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है। दो दो कटिंग वैसे तो मैंने लगाई थी, लेकिन जो छोटी छोटी कटिंग थी ना वो ख़राब हो गई मेरी। और ये देखिए, इसकी भी ख़राब हो गई पता नहीं, जबकि रूटिंग इनमें काफ़ी अच्छी हो चुकी थी, और शायद बारिश का पानी पड़ गया होगा तो इसी वजह से ख़राब हो गई मुझे लगता है। इधर कुछ क्रांचों की कटिंग लगा है जिनको मुझे रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग कर दूंगी तो इनकी ग्रोथ अच्छी निकल करके आएगी। एक सकुलेंट मेरा ये वाला बचा हुआ है, और बच जाए भगवान तो अच्छा है। काफ़ी सुंदर सा है फेरी कैस्टल ये, और बहुत ही सुंदर इसका जो लुक है एकदम येलो और ग्रीन रहता है, लेकिन अभी छाया में रखने से देखिए कितना फीका फीका सा हो गया है। कुछ एडेनियम की सीडलिंग यहाँ पे रखी हुई है। कुछ मैंने कनेर और हिबिस्कस की कटिंग अभी कल परसों लगाई थी तो इसको मैंने रखा, लेकिन यहाँ पे धूप आ जाएगी तो मुझे इसको यहाँ से उठाना पड़ेगा। मैं इसको रखूँगी थोड़ा छाया वाली जगह में जहाँ पर कि एकदम डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। और फ्लावरिंग के लिए समय आप एडेनियम में 0-34 स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत अच्छा टाइम है फ्लावरिंग के लिए। बारिश के बाद प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, और आप मेरे प्लांट में देखिए काफ़ी टाइम से फ्लावरिंग चल रही है। और ये देखिए, इसमें भी फूल आए हुए हैं। इधर भी कुछ हैं मेरे प्लांट, एक ही स्वाजिकम का प्लांट है जिसकी पत्तियां सारी गिर चुकी हैं, और सोच रही थी इसके भी कुछ प्लांट ग्राफ्ट कर लूँ। वैसे मैंने 6 प्लांट इसके सीड से भी ग्रो किए थे, लेकिन वो सारे सीडलिंग मेरी मिक्स हो गई है, पता नहीं बाद में पहचान में आएगा तो आएगा, अगर बच जाएंगे तो। और ये एक काफ़ी सुंदर सा कलर है डबल, ये मैंने कुछ टाइम पहले ही ग्राफ्ट किया था। इसमें देखिए एक क्रिस्पम या क्रिस्पम का भी प्लांट है, क्रिस्पम है या फिर पता नहीं, ये मैंने कुछ छोटे छोटे बेबी प्लांट ला करके इसके लगाए थे कॉस्मोस के, तो इनको अलग अलग लगा दूंगी तो ज़्यादा अच्छा ही फ्लावरिंग करेंगे, या तो फिर कोई बड़ा पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। इसके बाद दिखा दूँगी, इधर सारे इंडोर प्लांट हैं मेरे जो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम भरा भरा सा है, थोड़ा स्पेस इनको होनी चाहिए थी यहाँ से, जबकि मैंने जीजी प्लांट और कुछ स्नेक प्लांट यहाँ से उठा लिए। एक स्नेक प्लांट मेरे पास ये वाला भी है,
और थोड़ा कॉस्टली आता है ये। अगर आप इसको एक प्लांट ही पॉट में लगा हुए लेने जाएंगे तो 250 या 300 में ये प्लांट मिलता है। और ये देखिए अरेलिया मैंने प्रून कर दिया था, प्रूनिंग के बाद काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, छोटा सा लगा हुआ है। पर देखिए मैंने सिंगोनियम जीजी प्लांट इस साइड पर शिफ्ट कर दिया क्योंकि उधर अब धूप भी थोड़ा आने लगेगी और बारिश का पानी भी पड़ रहा था तो खराब हो सकते थे। इधर देखिए स्नेक प्लांट और ये कुछ कलेंचो की कुछ कटिंग लेकर के आई थी आज ही थर्ड फ्लोर से, इनको मैं अभी लगाने वाली हूँ। और ये देखिए कुछ देसी वाले हैं और एक दो हाइब्रिड वाले हैं। वैसे हाइब्रिड की मैंने थोड़ी सी कटिंग लगाई थी, इस बार बस दो चार पॉट में ही इनको लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। और ये देखिए स्नेक प्लांट है, स्नेक प्लांट भी मेरे रीपॉट करने लायक है, सिर्फ कोकोपीट में ये लगे हुए थे और काफ़ी अच्छे से ग्रो भी हो रहे हैं। लेकिन अभी एक एक प्लांट में तीन तीन चार चार प्लांट हो गए हैं। और एग्लोनिमा की कटिंग मैंने इस बार बिल्कुल भी नहीं लगाई है, जो पानी में लगाई थी वो भी थोड़ी सी, मेरी पानी काफ़ी टाइम से चेंज नहीं किया तो मुझे लगता है ख़राब ना हो जाए। और ये देखिए ये हमारे सारे एग्लोनिमा हैं जो मैंने इस साइड से उठा करके इस साइड पे शिफ्ट कर दिया। रीजन ये था कि इधर जैसे बारिश जैसे पड़ती थी ना तो अगर ग्राफ्टिंग इधर प्लांट रख देती थी तो ग्राफ्टिंग में पानी पड़ जाता, इस वजह से ये प्लांट मैंने इस साइड पे शिफ्ट कर दिया। ये स्टैंड को इधर शिफ्ट कर दिया, इसके नीचे बहुत ज़्यादा कबाड़, मतलब प्लांट ही रखे हैं लेकिन इतने सारे प्लांट हैं छोटे 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 से, तो अंदर इनको शिफ्ट कर दिया है कुछ कुछ को, कुछ पॉलीबैग में है कुछ पॉट में है। और इधर देखिए ये बड़ा वाला जीजी प्लांट है मेरा, ये वाला भी ऐसा ही था लेकिन ये थोड़ा सा बीच में ख़राब हो गया तो इसको मैंने अलग अलग फिर दो पॉट में शिफ्ट कर दिया। देखिए आधा इधर लगा दिया और आधा इसी में रहने दिया, वो उसका जो कोडेक्स था वो गल गया था। और ये मैंने कल तीन हैंगिंग बास्केट भी तैयार की है, ये देखिए एक ये चेन प्लांट के नाम से जाना जाता है और भी इसका कुछ नाम है अभी याद नहीं आ रहा। और ये दो मैंने बेबी सनरोज की कटिंग लगाई है जो हैंगिंग बास्केट बनाई है इसकी, देखिए काफ़ी एकदम ख़राब सा हो गया था जो प्लांट था इसका, जो मदर प्लांट था। और यहाँ पर ये है पीस लिली जो काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। और इधर ये मनी प्लांट है, इसकी भी मिट्टी लगता है ड्राई हुई है, कुछ पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा सूखी दिख रही हैं। तो इसके बीच बीच में आप प्रूनिंग करते रहें, जैसे लटकते हुए ब्रांच को कट करते रहें तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर ये हो जाता है। और अभी नई नई बास्केट अभी तैयार करूँगी, देखिए सकुलेंट की बास्केट है, अब इनको मैं फिर से नए तरीके से फिर से शिफ्ट करूँगी। इधर कुछ सकुलेंट जो थोड़े बहुत बचे हैं वो रखे हुए हैं। और इधर मैंने जो मल्टीपल ग्राफ्टिंग की है ना अडेनियम की, वो सारी रखी मल्टीपल ब्रांचेस में ग्राफ्टिंग की है। और कुछ प्लांट यहाँ पर देखिए 8-10 प्लांट कम से कम ग्राफ्ट किए होंगे मैंने, मल्टीपल वाले भी देखिए यहाँ से। और इधर भी रखे हुए हैं 7 प्लांट यहाँ हैं, और यहाँ पर 1 2 3 4 प्लांट इधर हैं और ये सारे। और देखिए इतनी सारी अभी कटिंग बची हुई है, ये कटिंग मैं लगा दूंगी कहीं पर, ये ड्राई हो चुकी है, 3-4 दिन हो चुका है इनको कट किए हुए। और कुछ सकुलेंट की भी मैंने कटिंग लगाई, ये देखिए एक सेंसवेरिया, मतलब इसमें 3 वेरायटी सेंसवेरिया की, ये मुझे गिफ्ट में मिले थे, मैंने उस टाइम पे सैंड में ही इनको ग्रो कर दिया था। अभी ये रिपोर्टिंग के लायक हो गए हैं, मतलब अलग अलग पॉट में शिफ्ट करने लायक हो गए हैं, तो सिर्फ सैंड में ये लगे हुए हैं और मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा सूख जाती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं दिख रही है। इधर देखिए ग्राफ्टेड प्लांट है मेरे सारे, अभी जो मैंने 4-5 दिन पहले ग्राफ्टिंग की है, लगभग 50 प्लांट मैंने ग्राफ्ट किए यहाँ पर। और ये देखिए पान का प्लांट है, इसको कोयर स्टिक लगाना ज़रूरी है, नहीं तो ये फिर अच्छे नहीं लगते हैं, इधर उधर फैले, कितना ही इसको हम कट करें फिर भूसी बनाएं तो नहीं पॉसिबल हो पाता है। कोयर स्टिक लगाने से इनका जो लुक है काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो जाता है, मैंने कटिंग से लगाया था उस टाइम आपके साथ इसकी कटिंग शेयर भी की थी, तो ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर हो गया। अभी मैंने सिलेंडर के ऊपर इसको रख दिया। और ये इधर ग्राफ्टेड प्लांट है, कुछ प्लांट इधर भी रखे हुए हैं, बहुत रिस्क पे रखे हैं फिर भी यहीं से। और यहाँ पर देखिए मेरी अडेनियम की सेटलिंग है छोटी सी, इसके बाद इधर है पर्पल हिबिस्कस जो अभी इस समय ब्लूमिंग पर है। अच्छा ये देखिए रोज़ 2-3 फूल खिलते, कल भी देखिए खिले थे और आज भी 2-3 फूल खिले हुए हैं यहाँ पर। और कनेर की फ्लावरिंग हुई तो थी बहुत सारी, लेकिन कल यहाँ पे पूजा के लिए बहुत सारे फूल तोड़ लिए हमने। और इधर हिबिस्कस में भी फ्लावरिंग अभी स्टार्ट हो गई धीरे धीरे, ये देखिए ऑरेंज वाला है, इनकी ग्रोथ भी अब धीरे धीरे निकल करके आने लगी है। और ये पीच कलर है, ये देखिए बहुत सुंदर सा कलर है, एक ही पिंक वाला है, इसमें फूल आता है लेकिन आज नहीं आया है। और क्रिसेंथियम की जो कटिंग थी ना, इसको मैंने काफ़ी टाइम से पिंच नहीं किया था, मतलब एक भी बार पिंच नहीं किया था, तो आज मैंने इसकी पिंचिंग भी कर दी है। और आप ज़रूर पिंच करिए, नहीं तो ये घने नहीं होंगे और प्लांट उतने ज़्यादा सुंदर नहीं हो पाएंगे, तो मैंने ज़्यादा इस बार लगाया भी नहीं था। इसको देखिए पिंच कर दिया था, यहाँ से 3 ब्रांच निकल करके आई हैं। और इधर देखिए डबल चांदनी है, इसका अभी फ्लावर नहीं खिल रहा है,
ग्रोथ लेकिन काफ़ी अच्छी। मन करता है इसको प्रून कर दूँ, प्रून करने से इसकी हाइट कम हो जाएगी, लेकिन फिर ये कटिंग वेस्ट हो जाएंगी और कटिंग लगाने का मन भी नहीं कर रहा अब मेरा, तो इसीलिए मिट्टी सूख गई थी। देखिए पत्तियाँ भी इस तरह से पीली हो जाती हैं। ये कटिंग मैंने आज थोड़ा सा धूप में निकाल ली उधर से किनारे से। इसको देखिए पूरा जो छोटे छोटे कैटरपिलर थे ना उन्होंने खाया हुआ है इसके पत्तों को, लेकिन इसमें नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई। मुझे लगता है ये रेड डबल पेटल वाला फूल है, मतलब जो पंचमुखी वाला है ना। और इधर भी देखिए कटिंग, ये पर्पल वाली कटिंग बहुत अच्छी हेल्दी ग्रो हो रही है। और यहाँ पर जो मैंने पीपल के बोनसाई बनाया था तो ये इधर रखे हुए, इधर ये मधुकामनी है जो कि अभी दो तीन दिन पहले ही खिल के ख़त्म हुआ, और देखिए अभी फिर से इसमें कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। तो ये हफ्ते में 15 दिन में एक बार ज़रूर खिलता है। उसके बाद इधर जो हिबिस्कस है इनकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है, फ्लावरिंग होती रहती है बीच बीच में। अभी येलो में मेरे फूल आने शुरू नहीं हुए हैं, और आज देखिए रेड डबल पेटल है, ये देसी ही है। और यहाँ पर देखिए कुछ अटेरियम थर्ड फ्लोर से लाकर शिफ्ट कर दिए, और कुछ जो ये सारे सीड ग्रोन प्लांट हैं इधर इनको अच्छे से जमा दिया आज मैंने थोड़ा सा। और ये देखिए तो इस तरह से दिख रहा है हमारा गार्डन अभी फिलहाल। ये विंका को मैं थोड़ा सा मतलब बोनसाई जैसा लुक देना चाहती थी, लेकिन अभी इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हैं। और ये देखिए पर्पल हिबिस्कस ये वाला भी, एक ढेर सारी कलियाँ इनमें आई हुई हैं। और इधर है हमारे इधर जेड प्लांट जिनको मैंने टोपियारी बनाया हुआ है, और थोड़ा सा ये ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, इसमें पत्तियाँ बहुत ज़्यादा येलो होकर के गिर रही हैं, इसलिए पूरे खाली खाली से हो गए हैं प्लांट। ये विंटर में बहुत अच्छा हो जाएगा, बोलते हैं विंटर में डोरमेंसी में जाता है जेड प्लांट, लेकिन मेरे जो प्लांट हैं ना विंटर में बहुत अच्छे चलते हैं, गर्मी में बहुत अच्छे रहते हैं और विंटर में भी, बरसात में थोड़ी सी पत्तियाँ इनकी गल करके इस तरह से गिर जाती हैं। और ये देखिए इधर सारा डेनियम है हमारा जो बहुत अच्छा ब्लूम हो रहा है। सीड पॉट काफ़ी सारे समय बन रहे हैं देसी वाले में, लेकिन बहुत ही पतले पतले से, उनमें जान नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कोई फर्टिलाइज़र मैंने इसको प्लांट को काफ़ी टाइम से नहीं दिया और इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। देखिए काफ़ी सारे सीड पॉट बने हुए हैं, तो आज मैं इसको ये दूंगी जैसे कि कंपोस्ट है, नीम की खली है, बोन मिल है और थोड़ा सा माइक्रो न्यूट्रंस, ये सब मिक्स करके मैं इसमें डाल दूंगी। तो इसके जो सीड पॉट हैं ये वाले सीड पॉट देखिए बनने के एक हफ्ते बाद ये ख़राब से हो गए, सूख गए हैं। तो कुछ मिट्टी का भी होता है, मिट्टी भी सूखी हुई थी, इस समय ड्राई हो गई थी बहुत ज़्यादा। और इधर देखिए एक ये न्यू कलर खिला हुआ था, ये भी मैंने अभी ग्राफ्ट किया था कुछ टाइम पहले, और इसका मदर प्लांट कहीं पर होगा दूसरा, और यानी इसमें ज़्यादातर प्लांट सीड ग्रोन है और कुछ ग्राफ्टेड भी हैं, कुछ ही कलर बचे हुए हैं, अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। और भी मतलब सीड ग्रोन रेड कलर के कई सारे प्लांट हैं अभी। और इधर देखिए बटरफ्लाई जा रही है, और देखिए फूल कितने सारे खिल करके सूख भी चुके हैं, पत्तियां भी बहुत सारी गिर चुकी हैं, और हर एडेनियम में एक एक बालसम का प्लांट भी ग्रो हुआ है जो कि फ्लावरिंग पर है इस समय। तो ये देखिए इस तरह से लोटस की कंडीशन ख़राब है, क्योंकि लोटस में मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, तो मुझे लगता है इसको थोड़ा सा मुझे एक बार फिर से अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक दो महीना टाइम है इनके फ्लावरिंग का और इनकी ग्रोथ का, तो मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे, मेरी तबीयत भी बीच में थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। और ये टिकोमा भी मैं आज सोच रही हूँ इसको मैं प्रून कर दूँगी, जगह बहुत घेर के रखी और फ्लावरिंग उतनी ज़्यादा हो नहीं रही, ऊपर से मिट्टी डेली इसकी ड्राई हो जाती है, इसको बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत है जो कि मैं दे नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना मतलब वेट भी काफ़ी हो जाएगा। वैसे इसको मैंने सिर्फ राइस हस्क और मिट्टी में लगा के रखा हुआ है। ये हिबिस्कस से देखिए बहुत प्यारा ब्लूम होता है, और इतने सारे अगर आपको ढेरों फूल चाहिए ना तो आप ये मिनेचर वाले हिबिस्कस ज़रूर लगाया करिए, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है इनमें। इधर समी का प्लांट है, और वो पेंटास है जिसको आज कैटरपिलर ने बहुत ज़्यादा खाया था, तो मैंने ऊपर ऊपर की पिंचिंग कर दी है थोड़ी सी। ये सारी मेरी 1 मंथ पहले की सीडलिंग है जो मैंने 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले इनको रिपोर्ट किया था। रोजेस की भी कंडीशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी ड्राई हुई इनकी, अब सितंबर के बाद से अक्टूबर से इनकी प्रूनिंग शुरू करूंगी, तो मैं भी इनको डोरमेंसी में ही रहने देती हूँ, इनको कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ पानी बस देती हूँ, जो लगना होगा लगेगा, अभी मैं बहुत ज़्यादा इसमें खास ध्यान नहीं दे रही। ये कुछ इधर सीडलिंग है, इधर हमारा ये जेड प्लांट है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो इस तरह से देखिए हमारा जो गार्डन है, और बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन नहीं हो सकता क्योंकि स्पेस बहुत कम है और प्लांट बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए इधर से गार्डन, उधर अलमंडा है मेरा जो बहुत अच्छा ब्लूमिंग इस समय करता है, काफ़ी सारे फूल उसके भी हमने तोड़े थे। और इधर सारी सीडलिंग है, यहाँ से ये देखिए इस तरह से गार्डन है।
तो बहुत ज़्यादा काम मैं नहीं कर पाई हूँ अभी गार्डन में इस समय। अब आपको एक बार फर्टिलाइज करना है सभी प्लांट को, और अगर करना चाहते हैं तो, क्योंकि ज़रूरी है एक बार फर्टिलाइज़र देंगे, जैसे कि परमानेंट प्लांट है आपके हिबिस्कस, जो हाइब्रिड वाले हैं ना उनको आप खाद जरूर दीजिएगा, क्योंकि विंटर में पूरे विंटर में फ्लावरिंग करते रहेंगे। देसी वाले तो ये है कि अभी 2 महीने फ्लावरिंग करेंगे, उसके बाद ये फिर बंद हो जाएंगे, लेकिन 2 महीने के लिए भी आपको एक बार फर्टिलाइज़र देना चाहिए बारिश के बाद। और अडेनियम में भी एक बार आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे नीम की खली, बोन मील और कंपोस्ट मिला करके थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, क्योंकि बारिश में इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन इनका बह गया। नाइट्रोजन बोलते हैं मिलता है, लेकिन उतना खास मुझे तो नहीं लगता कि बारिश के पानी से इनको नाइट्रोजन मिला होगा, क्योंकि जो थोड़ा बहुत था वो भी निकल गया। तो एक बार फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी हो जाता है प्लांट को। सीडलिंग में आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दीजिएगा, जिससे आपके प्लांट काफ़ी अच्छे ग्रो करेंगे। बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।